इस वीडियो में बताने वाले हैं कि वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है सारा प्रक्रिया आपको ऑनलाइन के माध्यम से बताएंगे स्टेप बाय स्टेप तो चलिए शुरू करते हैं इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं क्लिक करके आप आ जाइएगा यही आपको मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए एक ऑफिशियल साइट है जहां पे आप आधार कार्ड को अपने वोटर कार्ड से लिंक कर सकते हैं यही जो कि फॉर्म है सिक्स बी जिसके मदद से आधार कार्ड के द्वारा आपका जब वोटर कार्ड होगा वो लिंक हो जाएगा इस पर क्लिक करना है लेकिन इस पर क्लिक करने से पहले आपको इसमें लॉग हो जाना है या आपको इसमें रजिस्टर करना होगा तो चलिए मैं यहाँ पे लॉग इन रजिस्टर लिखा हुआ है मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे यूजर नेम के बदले जो कि आप इसमें ई मेल आई या कोई एक मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं और यहाँ पे आपको जो होगा पासवर्ड लगा सकते हैं और कैप्चा आपको यहाँ पे डालकर लॉग हो सकते हैं अगर बिल्कुल आप नए हैं कभी भी इस पोर्टल पर आपने लॉग नहीं किया है तो उस कंडीशन में डोंट हैव लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर लिखना है साथ में कैप्चा लिखना है कैप्चा लिखने के बाद आपको सेंड ओ पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए मोबाइल इज ऑलरेडी रजिस्टर बता रहा है तीन इनका जो कि पहले से मोबाइल नंबर इसमें दिया गया है चलिए मैं दूसरा मोबाइल नंबर एक डाल लेता हूँ यहाँ पे जो कि मेरे मोबाइल पर ओ आ चुका है मैं यहाँ पे ओ को डाल लेता हूँ और वेरीफाई ओ टी मैं क्लिक करता हूँ अब आपके पास जो की ईपिक आई है तो सही है अगर नहीं है तो डॉन टी पिक आई कर लीजिएगा अगर होगा तो आप यहाँ पे यस कर लीजिएगा और ईपिक और नंबर आपको यहाँ पे डालना है और एक ईमेल एल डाल लेना है और पासवर्ड एक नया क्रिएट कर लेना है जिसमें स्पेशल कलेक्टर्स भी आपको होना चाहिए सारा बात आपको यहाँ पे लिखा गया स्पेटर कैरेक्टर के साथ और आपके पास ई पी नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करिए अपना फर्स्ट नेम लिखिए और लास्ट नेम लिखिए ई मेल आई लिखिए और पासवर्ड एक बना लीजिएगा जिसमें बारह अक्षर छोटा अक्षर और स्पेशल कैरेक्टर्स भी आपका शामिल है चलिए मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके मैं डायरेक्ट यहाँ पे लॉग कर लेता हूँ जब आप लॉग हो जाइएगा तो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड आ जाएगा और आपको यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन जो होगा आपको इसमें देखने को आ जाएगा अब चलिए यहाँ पे लिंक करना है तो यहाँ पे आधार रजिस्ट्रिंग लिखा हुआ है तो इस पर आपको क्लिक करना है लेकिन जैसे आप क्लिक करेंगे अगर पहले से अपना ई पी के आई डी नहीं डाले होंगे तो आप ई पी के आई डी एक बार डालकर प्रोफाइल अपडेट करिए उसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो आपको इस प्रकार मैसेज आता है तो ई पी नंबर डालिए अगर नहीं आता है तो डायरेक्ट आपको ओपन हो जाएगा तो चलिए हमको प्रोफाइल को अपडेट करना है तो मैं प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जैसे हमने क्लिक किया लेकिन ये जो कि हमारा नाम नहीं है मैं साइबर कैफे चलाता हूँ तो किसी और का नाम मेरे नंबर पर जो कि रजिस्टर्ड हो गया है चले मैं इस नाम भी हटा दूंगा और पूरा जो कि अपडेट मैं अपना करूँगा तो यहाँ एडिट प्रोफाइल लिखा हुआ है मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए जो नाम था मैं इसको नाम यहाँ पे हटा देता हूँ और यहाँ पे भी लास्ट नेम था मैं तो लास्ट नेम रहेगा और यहाँ पे मैं एक ईमेल आईडी लिख लेता हूँ और एक मेरा जो ईपिक नंबर है वो लिख लेता हूँ और जो नंबर यहाँ पर ऑलरेडी पहले से दिया गया वो सही है जो आपके कैप्चा दिख रहा है यहाँ पे कैप्चा आपको यहाँ पे लिख कर सेंड ओ पर क्लिक करना है मेरे मोबाइल पर ओ आ चुका है मैं ओ टी पे लिख देता हूँ उसके बाद अपडेट डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा इपिक नंबर ईमेल आईडी सब कुछ आ चुका है तो फिर से आपको यहाँ पे डैशबोर्ड लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है अगर आपको नहीं आता है डैशबोर्ड पर तो आपको यहाँ पे होम पर भी क्लिक करके आप आ सकते हैं चलिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखे हुए आधार वाला नंबर बाई एग्जिस्टिंग तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ अब यहाँ पे जो की पर रूप आपको सिक्स बी और आपको फॉर्म यहाँ पे लिखा गया है तो उस कंडीशन में आपको एक पीडीएफ भी आपको इसमें दिया गया है इस पर क्लिक करके जब इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको इस प्रकार जो की ये फॉर्म आएगा ये जो की आपको बी को यानी बूथ लेवल ऑफिसर होता है जो आपके एरिया के मास्टर साहब होते हैं उनको जो कि आप दे देंगे अपना वोटर कार्ड इस फॉर्म को लगा कर और अपना आधार कार्ड तो अपने माध्यम से आपको लिंक कराएंगे वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लेकिन अगर आप खुद से आप ऑनलाइन करना चाहते हैं अब आपको यहाँ पे लिखा गया है पर 6B सिक्स बी इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पे आपका स्टेट आ जाएगा और विधानसभा कौन सा आपको वो आ जाएगा आपका नाम आपको यहाँ पे आ जाएगा और लास्ट नेम आपको यहाँ पे आ जाएगा जिस प्रकार होगा और आपका ईपिक नंबर होगा वो आ जाएगा एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल लेना है और एक ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल लेना है और यहाँ पे आपको जो होता है डॉक्यूमेंट के तौर पर आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए अगर आधार कार्ड आपके पास नहीं भी है तो यहाँ पे क्लिक करके दूसरा जो कि डॉक्यूमेंट आप इसमें दे सकते हैं लेकिन हमारे एक्सपीरियंस के अनुसार ये कोई फायदा नहीं है ये जो होगा आपको वोटर कार्ड जीवित रहेगा कि मालूम चल जाएगा कि इनका जो कि है वोटर कार्ड है लेकिन जब ये प्रक्रिया लगाया गया है कि का आधार कार्ड लिंक करने के लिए तो कोशिश करिए कि अपना जो कि आधार कार्ड यहाँ पर दीजिए अगर जो कोई यहाँ पे आधार कार्ड नहीं देता है तो ज्यादा फोकस में होंगे इसलिए कि आधार कार्ड है तो दूसरे जगह भी आदमी इस्तेमाल कर सकता है तो हो सके तो अपना आधार कार्ड ही यहाँ पे दीजिए तो यहाँ पे आपको जैसे पेन कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे उस पेन कार्ड को जीरोक्स कॉपी आपको यहाँ पे देना होगा चूज फाइल करके और अपना प्लेस का नाम लिखकर आपको कैप्चा कैप्चर सबमिट प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तब आपको आगे वाला प्रोसीजर हो जाएगा फॉर्म आ जाएगा सबमिट कर सकते हैं तो हम चाहेंगे कि आप जो कि आधार कार्ड वाले सिस्टम रखें तो यहाँ पे आपको आई है आधार वाला नंबर रखिएगा और जो आधार कार्ड का नंबर है आपको यहाँ पे लिखिए प्लेस के तौर पर अपना प्रखंड का नाम जिला का नाम अपना गाँव का नाम जो होगा आपको यहाँ पे लिख लीजिए और एक कैप्चा आपको दिख रहा है आपको यहाँ पे लिख कर प्रिव्यू पर क्लिक करना है और इस प्रकार जो होगा पूरा डिटेल्स आपको देखने को आ जाएगा अगर आप इसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है प्रिंट का तो इस पर आपको क्लिक करना है अपने पास फॉर्म को रखने के लिए चलिए मैं यहाँ पे प्रिंट पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे जो कि मैं इसको सेव कर लेता हूँ चलिए यहाँ पे मेरा डाटा जो कि है सब कुछ सही है तो मैं यहाँ पे सबमिट जो ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो कि सक्सेसफुल यहाँ पे सबमिट हो चुका है एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और आपको एक रिफरेंस नंबर जो आपको दिया गया है ये ट्रेक अप्लीकेशन करने के लिए तो यहाँ पे आप ट्रेक अप्लीकेशन करेंगे तो यहीं पे आपको एक लिंक दिया गया है लेकिन अब ही यहाँ पे हम किए हुए हैं तो इस पर जो कि मैं क्लिक करूंगा तो हमने यहाँ पे जो कि अपना रिफरेंस नंबर जो कि है सबमिट कर दिया है और साथ में नीचे में आइएगा तो देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन आएगा जो कि फॉर्म जो की सिक्स भी है और नाम पता जो कि आप इस प्रकार इसमें देख सकते हैं यही था प्रक्रिया आपको ऑनलाइन के माध्यम से आधार कार्ड को जोड़ना और आपको इंतजार करना है कुछ दिन तक तब तो आप दोबारा स्टेटस चेक करते रहिएगा कि मेरा जो कि आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं जब आपका आवेदन यहाँ पे सबमिट हो जाता है तो जो कि दस्तावेज के तौर पर कहीं आपको सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है अपने जो कि पास ही रखे एक, एक स्क्रीन शॉट ले लें और जो रिफ्रेंस नंबर है उसको एक महीने के बाद या बीस दिन के बाद उसको चेक करते रहें कि हमारा जो कि आवेदन यहाँ पे एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं या जो हमने आवेदन किया है वो आधार कार्ड से लिंक हुआ है कि नहीं वो जो कि स्टेटस के माध्यम से आप पता कर सकते हैं अभी इस टाइम इस कागजात को कहीं ले जाकर जमा करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन यही जो कि काम आप ऑफलाइन के माध्यम से कराना चाहते हैं जैसे आप बी के माध्यम से जो बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं जो आपके एरिया के मास्टर साहब भी होंगे तो उनको जो कि अपने आधार कार्ड वोटर कार्ड का जीरोक्स और साथ में जो मैंने आपको फॉर्म दिखाया था सिक्स का बी और मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं उसी फॉर्म को भर कर अपने बी को जमा करेंगे तो थोड़ा देर इंतजार करना होगा तब जाकर आपको ये लिंक साबित होगा अगर उनको आप लिंक करने का देते हैं ऑफलाइन के माध्यम से तो उनके पास एक लिस्ट भी तैयार होगा जो अपने माध्यम से जांच करेंगे कि हमने इतना आदमी को जो आवेदन दिया है वो लिंक हुआ है कि नहीं लेकिन आप खुद से जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपको ट्रेक स्टेटस के लिए एक रिफरेंस नंबर आपको दिया गया है उसी से आप पता कर सकते हैं और अभी भी वीडियो संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं हूं राज शर्मा फिर मैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद